मकर संक्रांति से पहले लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। लोहड़ी पंजाबियों का मुख्य त्यौहार है, इसलिए इसकी सबसे ज्यादा धूम पंजाब और हरियाणा में देखने को मिलती है। लोहड़ी के दिन अग्नि में तिल, गुड़, गज्जक, रेवड़ी और मूंगफली चढ़ाई जाती है। देश भर में 13 जनवरी को लोहड़ी का त्यौहार मनाया जा रहा है। लोहड़ी पर घर घर जाकर दूल्हा भट्टी और अन्य तरह के लोकगीत गाने की परंपरा हुआ करती थी, लेकिन आजकल ऐसा कम ही देखने को मिलता है। पहले जहां बच्चे घर घर लोहड़ी लेने जाते थे, उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाया जाता, इसलिए उन्हें गुड़, मूंगफली, तिल, गज्जक या रेवड़ी दी जाती थी। पहले दिन भर घर घर से लकड़ियाँ इकट्ठा की जाती, हालांकि आजकल लकड़ियाँ बाजार से भी खरीद ली जाती हैं। इसके बाद शाम को चौराहे या घरों के आसपास खुली जगह पर इन्हें जलाकर लोहड़ी मनाई जाती है। दूल्हा भट्टी की कहानी इसमें बेहद ही लोकप्रिय है। कहा जाता है कि दूल्हा भट्टी ना होते तो लाहौर लाहौर ना होता, सलीम कभी जहांगीर नहीं बन पाता और अकबर को भांड ना बनना पड़ता, मिर्जा साहिबा के किस्सों में संदल बार ना आता, पंजाब वाले दुल्ले दीवार ना गाते और तो और लोहड़ी भी नहीं होती। दूल्हा भट्टी अपने समय के रॉबिन हुड थे, क्योंकि हिंदुस्तान का शहंशाह उन्हें डकैत मानता था। इसकी वजह थी कि वो अमीरों से, अकबर के जमींदारों से, सिपाहियों से सामान लूटते और गरीबों में बांट देते। यही वजह थी कि दूल्हा भट्टी अकबर को फूटे आंख ना सुहाते थे। दूल्हा भट्टी ने अकबर को इतना परेशान किया कि अकबर को आगरे से राजधानी लाहौर तक शिफ्ट करनी पड़ी। लाहौर का तभी से जन्म हुआ है। पाकिस्तान के पंजाब में बच्चों को कहानियां सुनाई जाती है कि एक बार तो दूल्हा ने अकबर को भी पकड़ लिया था। जब पकड़ा गया तो अकबर ने कहा, मैं तो शहंशाह हूं ही नहीं, मैं तो भांड हूं भांड। दूल्हा भट्टी ने उसे छोड़ दिया और कहा कि भांड को क्या मारूं, और अगर अकबर होकर खुद को भांड बता रहा है तो मारने का क्या फायदा। लोहड़ी की कहानी भी दूल्हा भट्टी से जुड़ी हुई है। लोहड़ी वाले दिन दूल्हा भट्टी की कहानी सुनाई जाती है। कहा जाता है कि एक बार कुछ अमीर व्यापारी कुछ सामान के बदले इलाके की लड़कियों का सौदा कर रहे थे। तभी दूल्हा भट्टी ने वहां पहुंचकर लड़कियों को व्यापारियों के चंगुल से मुक्त कराया और फिर इन लड़कियों की शादी हिंदू लड़के से कराई। इस घटना के बाद से दूल्हा को भट्टी के नायक की उपाधि दी गई और हर बार लोहड़ी पर उसकी याद में कहानी सुनाई जाती है। माना जाता है कि दूल्हा भट्टी की कहानी सुनाए बिना लोहड़ी का त्यौहार पूरा नहीं माना जाता। लोहड़ी से जुड़ी पौराणिक कथाओं के अनुसार लोहड़ी के दिन आग जलाने को लेकर माना जाता है कि यह अग्नि राजा दक्ष की पुत्री सती की याद में जलाई जाती है। एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया, इसमें अपने दामाद शिव और पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। इस बात से सती बेहद निराश हुई और उन्होंने पिता से जाकर पूछा कि उन्हें और उनके पति को इस यज्ञ में निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया। इस बात पर अहंकारी राजा दक्ष ने सती और भगवान शिव की बहुत निंदा की। इससे सती बहुत आहत हुई और क्रोधित होकर खूब रोई। उनसे अपने पति का अपमान देखा नहीं गया और उन्होंने उस यज्ञ में खुद को भस्म कर लिया। सती की मृत्यु का समाचार सुन भगवान शिव ने वीरभद्र को उत्पन्न कर उसके द्वारा यज्ञ को विध्वंस करा दिया। तब से माता सती की याद में लोहड़ी को आग जलाने की परंपरा है। यह त्यौहार फसल की बुआई और कटाई से भी जुड़ा हुआ है। लोहड़ी की रात को साल की सबसे लंबी रात मानी जाती है, इसलिए इस त्यौहार से कई आस्थाएं भी जुड़ी है। माना जाता है कि लोहड़ी पर अग्नि पूजन से दुर्भाग्य दूर होते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दीपक कुमार, पंजाब केसरी स्टूडियो, दिल्ली। यदि आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।